मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सोमवार की रात 8 बजे बेड़ों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी और शौचालय की बदहाल स्थिति देखकर भड़क उठे। कहा, अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दूरभाष पर कहा कि अस्पताल को ठीक ठाक करें, यहाँ मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलती है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। विधायक ने कहा, यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। बड़ी आबादी में एक हॉस्पिटल है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। बरसात के दिनों में सांप बिच्छू से लेकर कई तरह का प्रकोप भी लोगों को झेलना पड़ता है। इमरजेंसी में चिकित्सक को अपनी ड्यूटी पर रहना चाहिए, पर चिकित्सक गायब रहते हैं। मुझे कार्रवाई करने को बाध्य न करें, चिकित्सक अपनी जिम्मेवारी समझे। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि नवल किशोर सिंह, पूर्व उप प्रमुख मुदस्सिर हक, पंचू मिंज, मीर मुस्लिम हुसैन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सोना न्यूज पेड़ों से राज रॉय की रिपोर्ट। नहीं, आज मांडर चानो और बेड़ो, मांडर का रेफरल हॉस्पिटल और चानो का RCH और यहाँ का आपका सामुदायिक हॉस्पिटल में हमने आया, इसीलिए कि औचक हमने देखा निरीक्षण करने के लिए कि कितने वहाँ डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेस रहते हैं कि नहीं, क्या हाल चाल है कंपाउंडर का, क्योंकि आए दिन इलाके में बहुत सारे चीज़ एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, कई तरह की घटनाएँ हो रही है, और ऊपर से आपका कोरोना है, तो इससे सही तरीके से लोगों को यहाँ पर, वैसे जो लोग जो इस तरह की घटना से इस तरह की घटना होता है तो लोगों को सही तरीके से उपचार या दवा वगैरह मिल रहे नहीं मिल रहे। दूसरी बात है कि सब इलाके में बरसात का दिन है, सांप वगैरह का एक तरह का शिकायत आता है, सांप काटने का भी, तो वैक्सीन वगैरह है कि नहीं है, दवा वगैरह हॉस्पिटल में सफिशेंट है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो दवा के लिए संबंधित यहाँ आपका सिविल सर्जन को बोल करके, विभाग को बोल करके दवा वगैरह उपलब्ध कराया जाए। इन तमाम चीज़ों को हमने देखा, साफ़ सफाई क्या, मैंने यहाँ पर जो आपका जो जो वार्ड है, वार्ड में पेशेंट का क्या स्थिति है, तमाम चीज़ों को हमने देखा है, कोई चीज़ों का कमी भी मैंने पाया है, तो इस सारे चीज़ों के बारे में बैठक करा करके जल्द से जल्द प्रबंधन समिति का, हॉस्पिटल प्रबंधन समिति का बैठक करेंगे और इस तमाम चीज़ों को यहाँ पर ठीक ठाक करने का काम करेंगे। जो भी प्रभारी हैं, वो प्रभारी जी को हम चेतावनी भी देते हैं, हिदायत भी करते हैं कि काम करना है ढंग से करें, पूरी अपनी जिम्मेवारी को समझें और कुछ जो अपने निर्णय के ये में है, जो निर्णय कर सकते हैं, वो सब निर्णय को यहाँ लोकल स्तर में करें, सारे चीज़ों को केवल जिला के भरोसे में ना छोड़ें, काम करना है तो यहाँ करें और नहीं तो अपने दूसरे जगह देखना चाहिए। और हम चाहते हैं कि भाई किसी तरह का जो पेशेंट आते हैं, किस तरह का यहाँ पर लोग आते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इसको पूरा ध्यान रखा जाए। सर, यहाँ का समुदाय चेक निरीक्षण हम तो लगातार करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और भी हम करेंगे। सर, शौचालय की सर यहाँ बहुत ही खराब स्थिति है, हमने देखा है, इसके बारे में उसको हिदायत भी दिया है बहुत जल्द उसको ठीक करने के लिए, और हमारे जो यहाँ के हमारा चिकित्सा प्रतिनिधि है उनको भी हमने इसके संबंध में डायरेक्शन दिया है कि अपने देख रेख में जल्द से जल्द उसको करवा लें।